मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर 10 बड़ी ट्रेड यूनियनें, 6 बैंक यूनियंस भी हड़ताल में शामिल, श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल। मध्य प्रदेश में कोल समाज का पलायन, रुकेगी सरकार, सीएम कमलनाथ ने कोल समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, मंत्री ओमकार सिंह मरकाम भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को नगरीय निकायों में मिली बड़ी सफलता, 10 में से 8 नगर निगमों पर कांग्रेस का कब्जा। 3 दिवसीय राम नामी भजन मेला का आयोजन, राम का भजन सुन मंच पर ही थिरकने लगे सीएम बघेल, मंत्री अमरजीत ने भी दिया साथ। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर के नाम एक और रिकॉर्ड, 31 की रात सबसे ज्यादा श्रद्धालु ने किए दर्शन, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में रिकॉर्ड दर्ज। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में ठंड से फिलहाल राहत, ठंड से राहत की बात हो सकती है कई जगहों पर बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और अब रुक करेंगे खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में सीएम बघेल एक मंच पर थिरकते नजर आ रहे हैं। वीडियो जांजगीर जिले के मालाखरौंदा के ग्राम पिकरी पार का है, यहां एक दिवसीय प्रवास पर सीएम बघेल पहुंचे थे। अखिल भारतीय रामनामी समाज द्वारा 3 दिवसीय रामनामी भजन मेला का आयोजन जांजगीर में किया गया है, इसके शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल बीते 6 जनवरी को शामिल हुए। इसी कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल मंच पर थिरकते नजर आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कोल समाज को शिक्षित करने और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार विशेष प्रयास करेगी। कमलनाथ ने मंत्रालय में कोल समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान यह बात कही। उन्होंने समाज का किसी समाज को विकसित बनाने के लिए उसका शिक्षित होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोल समाज में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पलायन रोकने के लिए कोल समुदाय को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात के समय पूर्व विधायक कौशल्या गोटिया और कोल समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे। आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भोपाल में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का एक बड़ा बयान सामने आया है। जीतू पटवारी से कहा है कि बीजेपी में माफिया है, तभी तो भाजपा कह रही है कि भाजपा के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय सुगनी देवी घोटाला पेंशन घोटाला में लिप्त है। नरोत्तम कैलाश विजयवर्गीय आग लगाने की बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान विचलित है। ऐसे ही स्पोर्ट्स मिनिस्टरी से मैंने मांग की सब मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालयों में जाकर हमारे हितों का पैसा, हकों का पैसा लेना है, उसके लिए फिर से प्रयास करने हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करते रहते हैं, मैं मानता हूं इस बात को कि देश की सरकार को मध्य प्रदेश के हितों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, अगर वो करते हैं तो मध्य प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सत्र अच्छा रहा लेकिन धरातल पर कुछ भी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, एक साल में कितने आरक्षक वर्ग और अन्य को नौकरी दी गई है। जानकारी में आया है कि दो दिवसीय आरक्षण को लेकर सत्र बुला रहे, अच्छा है, सत्र भी होना चाहिए, पास भी होना चाहिए, लेकिन धरातल पर भी कुछ होना चाहिए। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, कमलनाथ जी से, कि इस सत्र का उपयोग हम बहुमुखी आयामों के लिए करें। एक श्वेत पत्र ये भी जारी करें इस सत्र में कि इस एक साल के अंदर जो साल बीत गया उसमें कितने आरक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी मिली, कितने सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी मिली, कितने पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरी मिली।
मंडला आदिवासी बाहुल जिला मंडला में लगातार शासकीय संपदा रेत की चोरी रेत माफियाओं द्वारा की जा रही है। अवैध खनन के मामले को लेकर सरकार माफिया दमन दल गठित किया गया है। प्रत्येक जिले में खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश का एक जिला मंडला भी शामिल है। मंडला जिले का पुलिस थाना महाराजपुर के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी हृदय नगर के अंतर्गत आने वाली बंजर नदी से रेत चोरों की द्वारा लगातार ट्रैक्टर वाहनों से रेत चोरी के मामले निरंतर सामने आते रहे हैं। माइनिंग इंस्पेक्टर के द्वारा कार्रवाई की बात की गई तो रेत माफिया के दरौंद माइनिंग इंस्पेक्टर से ही अवैध व्यवहार कर जाने से जान से मार देने की धमकी देकर शासकीय कार्य में रुकावट डालने की कोशिश की गई, जिसको लेकर माइनिंग इंस्पेक्टर ने तत्काल घटनाक्रम की जानकारी कलेक्टर को दी। पुलिस चौकी हृदय नगर में FIR कराने हेतु एक लिखित शिकायत भी की गई। हमने कलेक्टर महोदय और माफिया दमन दल जो गठित हुआ है उसके निर्देश पर कार्रवाई करते हुए हृदय नगर में जो अवैध रेत घाट संचालित होता है वहाँ पे छापामार कार्रवाई की। उसमें हमारे द्वारा 3 वाहन जब्त किए गए, जिसमें से एक वाहन जो है उसके वाहन चालक द्वारा और मालिक द्वारा उस वाहन में रेत खाली करके रेत को छुपाने के उद्देश्य से उसको खेत में खड़ा कर दिया गया तथा उसके ऊपर थोड़ी सी ऐसी पैरा डाल दी गई। जब हमने उस वाहन को जब्त किया तो उसके वाहन मालिक विवेक चौबे जो कि मंडला का निवासी, उसके द्वारा अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज दी गई और जान से मारने की धमकी देते हुए वाहन को थाने लाने के लिए मना किया गया। मंडला के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बैंक के बाहर खड़ी कार से कांच तोड़कर 4,50,000 रुपए की चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि यह राशि एक गल्ला व्यापारी की कार पर रखी हुई थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बैंक एवं बैंक के आसपास लगे CCTV की फुटेज खंगालने शुरू कर दिए, जिसके बाद वो आगे की कार्रवाई भी शुरू कर देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भक्त राजे माता ने जिस साहू समाज को अपनी मेहनत और त्याग से संगठित किया, आज वो समाज में शिक्षा, कृषि व व्यवसाय सहित सभी क्षेत्रों में संगठित तरीके से काम कर आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे समाज को उनका अनुकरण कर रहे हैं। बघेल ने राजिम के मेला स्थल प्रदेश साहू हम दूसर योजना के माध्यम से जनचे को जागृत हुई से साथ ही एक बारे में भी दूसरा रास्ता हूँ खुल जाते हम दूसर योजना के माध्यम से जनचे को राजीव गांधी शासकीय जन चिकित्सालय गंजाबा सौद में आयुष्मान भारत निरायम में मध्य प्रदेश योजना के तहत विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र विधायक लीना जन और जनपद अध्यक्ष अंजलि यादव ने शिरकत की। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर में मेडिकल टीम के साथ ही जिला चिकित्सालय विदिशा की मेडिकल टीम ने भी कैंप लगाकर मरीजों को अपनी सेवाएं दी। कैंप में लगभग 378 मरीजों ने आयुष्मान भारत निर्मायम का लाभ उठाया और आयुष्मान कार्ड भी बनाए। निरायम का कैंप हमारे यहाँ पे आयोजित किया गया है। इसमें हमारे चिन्हित ग्रामीण क्षेत्रों से जो पेशेंट्स हैं उनको लेकर आए हैं। शहरी क्षेत्र के भी पेशेंट हैं। इसमें हमने विशेषज्ञ की टीम हमारी दिशा से आई है, जिसमें नाखान गले, हाँ, शिशु रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ, क्षय रोग विशेषज्ञ, ये सारे डॉक्टर की टीम है। ये जो निरामयम आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश का ये शिविर हर महीने चिकित्सालयों में लगेगा और इसमें हर प्रकार की बीमारी की जांच होगी और जो बड़ी बीमारियां हैं उनको आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना हर व्यक्ति के पास हो अपना आशियाना, जिसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बैगा आदिवासियों और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों के साथ जिसके पास भूमि नहीं है उन्हें सरकार की ओर से 2022 तक पक्के मकान देने की योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को आवास की सुविधा दी जा रही है, लेकिन ठेकेदार एवं प्रधानमंत्री आवास के संयोजक योजना को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। 2 से 2.5 वर्ष होने को आए गरीबों को अब तक आशियाने नसीब नहीं हुए। करीब 10 प्रधानमंत्री आवास ऐसे हैं जहां छत नहीं डाली गई। पूरा मामला गुम्माटाला ग्राम पंचायत का है, इसके साथ ही पेंड्रा जनपद पंचायत के अंतर्गत कुछ ग्राम पंचायतों का है। प्रधानमंत्री आवास जिस हितग्राही के नाम पर स्वीकृत किया जाता है उसके द्वारा ही आवास का निर्माण किया जाता है तथा राशि सीधे उसके खाते में जाता है। प्रधानमंत्री आवास निर्माण में किसी प्रकार के ठेकेदार का कोई रोल नहीं है। फिर भी यदि ग्रामीण क्षेत्र में किसी हितग्राही को किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार ठेकेदार घोषित कर कार्य कराया जा रहा होगा और आवास यदि अधूरा है तो ऐसे व्यक्ति पर जांच करके कड़ी कार्रवाई की। सिरोंज जनपद पंचायत के तहत आने वाले ग्राम देवी टोरी बागरोद के समस्त ग्रामीण जनसुनवाई में सरपंच और सचिव की शिकायत लेकर आए, जहां उन्होंने तहसीलदार अलका सिंह को अपनी समस्याएं बताई। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में भी सरपंच व सचिव मुकेश विश्वकर्मा की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई या नई सुनवाई नहीं होती। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच व सचिव की मिली भगत से पात्र हितग्राहियों के पैसे निकाल लिए जाते हैं व सरपंच एवं सचिव के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता। सचिव पैसे मांगता है, जो व्यक्ति पैसे दे देता है उसी का काम होता है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने सचिव एवं सरपंच के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही उन्होंने दोनों के खिलाफ जांच कराने की मांग भी की है। राजधानी के मोती मस्जिद स्थित मैदान से पिछले महीने इकबाल मैदान नाम का बोर्ड हटा दिया गया था, जिसके बाद इस मामले ने सियासी रुख अपना लिया है। वहीं मंगलवार को जमीयत उल हिंद और संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने संयुक्त रूप से दोबारा यहां इकबाल मैदान नाम का बोर्ड लगाया। बोर्ड लगाने वाले पदाधिकारियों ने इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। डिंडोरी के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा बाल संरक्षण सप्ताह 6 जनवरी से 11 जनवरी तक मनाया जाएगा। पहले दिन के कार्यक्रम में जिले भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुपरवाइजर हॉस्टल अधीक्षिकाओं की कार्यशाला रखी गई, जिसमें बच्चों के ऊपर हो रहे अपराधों के बारे में जानकारी और बच्चों पर हो रहे अपराधों को रोकने के साथ साथ कार्रवाई करने को लेकर जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह ने कार्यशाला में दी। कार्यशाला में आए हुए महिला बाल विकास के कार्यकर्ता हॉस्टल अधीक्षिका अपने गांव में बच्चों को जागरूक करने के बाद बच्चों के अधिकार के बारे में जानकारी देंगे, जिससे कि बच्चों के साथ में हो रही घटनाओं को रोका जा सके। बाल संरक्षण सप्ताह को लेकर प्रतिदिन आयोजन कर बच्चों को जागरूक किया जाएगा। धन्यवाद देता हूं जो इस तरह के कार्यक्रम में आप लोग शामिल हो गए। यह जो कार्यक्रम है बहुत ही शासन द्वारा एक समय निर्धारित की गई 6 तारीख से 11 तारीख बाल संरक्षण सप्ताह। इसमें ये जो इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है समाज में जो महिलाओं बच्चों के साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको रोकने के लिए लोगों को मोटिवेशन करना और उनको जागरूक करना, ताकि बच्चों के साथ महिलाओं के साथ किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। नियमितीकरण की मांग को लेकर शाहजहानी पार्क में अतिथि शिक्षकों के आंदोलन को 9 दिन हो चुके हैं। भीषण ठंड में आंदोलन कर रहे शिक्षकों की सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशासन की तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। वही गेस्ट टीचर लगातार कमलनाथ सरकार से नियमितीकरण की गुहार लगा रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी।
Mount Literal C School, Mundao. Number one in academics. Number one in sports. Best teachers. Best results. Smart classroom. Best transport facility. World-class infrastructure ke saath. Mount Literal C School, Mundao. लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा मुसाफिरा तू है चला मुसाफिरा रे छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर कमला बसंत अनोखा स्वाद खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर छिंदवाड़ा से है। छिंदवाड़ा की ओर से परासिया रेलवे स्टेशन की तरफ आने वाले ओवरलोड ट्रक शहर के मुख्य मार्ग से होकर गुजरते हैं। इस मार्ग पर डॉक्टरों के मेडिकल स्टोर और कपड़ा मार्केट होने के कारण भीड़ भाड़ रहती है, जिसके कारण यातायात बाधित होता है, जिसके चलते हमेशा दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। खास बात तो यह है कि मक्के से भरे ओवरलोड ट्रक जिस चौघड़े से होकर गुजरते हैं, वहीं पुलिस यातायात केंद्र भी है, पर किसी को भी दिखाई नहीं देता है कि शहर में भारी वाहनों का आवागमन हो रहा है। वहीं एसडीओपी का कहना है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि शहर में मक्के से भरे ओवरलोड ट्रक आ रहे हैं। जानकारी मिलते ही उन ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई की जाएगी। कोरिया के केलहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिस पर केलहारी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच चालू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी के साथ युवती का काफी समय से बोलचाल और जान पहचान थी। इसी के चलते युवक ने महिला के द्वारा उसे अपनी बहन के घर छोड़ने की बात का फायदा उठाते हुए बाइक से ले जाकर महिला के साथ सुनसान जगह पर जबरन दुष्कर्म किया और उसे वहीं छोड़कर भाग गया, जिसकी जानकारी महिला ने अपने घर वालों को दी, जिसके बाद महिला ने केलहारी थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ लिखित में आवेदन दिया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर फरार आरोपी की खोजबीन चालू कर दी है। किस तारीख को ये पहुंचाने अपने बात में यहाँ कनवाई ले जाने के लिए बोली, तो उसको कनवाई ले जा रहा था, लेकिन वहाँ तक नहीं ले जाकर बीच रास्ते में इसके साथ गलत की है और इसके घर में भी गलत की है, जिस पर अपराध का वहाँ 2020 धारा 376 अपराध दर्ज किया गया है। खबर छत्तीसगढ़ के जनापारा से है, जहां जूनापारा पुलिस ने अंतर्राज्यीय मवेशी तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 10 मवेशी के साथ एक आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया, एक अन्य मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिनकी पातासाजी की जा रही है। बताया जा रहा है कि मवेशी तस्कर सभी मवेशियों को लेकर मध्य प्रदेश की तरफ ट्रक में ले जा रहा था। पूरा मामला जिले के जूनापारा चौकी के चराहा गांव का है। वहीं पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी चालक से पूछताछ की जा रही है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से पशु तस्करी की जा रही है, इस सूचना पर हमारा स्टाफ के रवाना होकर घेराबंदी कर ट्रक को रुकवाया गया, जिसमें से एक आरोपी और पशु मिले। खबर शिवली के बमरो कला की है, जहां चोरों ने रात के अंधेरे में बस स्टैंड पर स्थित दीपक नौडगरिया की दुकान पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि चोरों ने दुकान का सामान चोरी किया और उसके बाद दुकान को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते आग गोदाम से होकर पूरी दुकान में फैल गई। वही घटना की जानकारी सुबह घूमने जा रहे लोगों ने दी। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने बड़ी देर की मशक्कत के बाद आग में काबू पाया, तब तक दुकान का लाखों का माल जलकर खाक हो गया था। भोपाल में प्लास्टिक वेस्ट के उपयोग को लेकर नगर निगम की एक और पहल देखने को मिली है, जिसके तरह भोपाल की पहली प्लास्टिक वेस्ट सड़क पर भूमि पूजन किया गया। बोर्ड ऑफिस चौराहे के सामने बन रही रोड को 100 टन डामर में 6 टन प्लास्टिक वेस्ट मिलाकर बनाया गया। बता दें कि भोपाल नगर निगम लगातार प्लास्टिक मुक्त शहर के प्रयासों में लगा हुआ है, जिसमें इसके इस कार्य की लोग काफी सराहना कर रहे हैं। सड़कों के लिए एक ये प्रयास हम लोगों का है,
प्लास्टिक बेस से ही सड़कों का निर्मित हो, आखिर प्लास्टिक आएगा। प्लास्टिक के कारण कई बार नाला नाली चौक हो रहा है, प्लास्टिक के कारण कई बार गौ माता काल कल्पित हो रही है। अगर कहीं ना कहीं तो वैज्ञानिक तरीके से प्लास्टिक का डिस्पोजल करना पड़ेगा, इसलिए इस मॉडल में हम लोग गए हैं और मुझे लगता है कि इसके काफी सार्थक परिणाम आएंगे। अगर सार्थक परिणाम आएंगे, हम सबका यही प्रयास रहेगा कि आगे आने वाले दिनों में भोपाल के सभी वार्डों में प्लास्टिक बेड से निर्मित सड़कें ही बने तो काफी बेहतर होगा। नशे का घर बन चुके देवलोन में नशे का कारोबार करने वाले 3 सौदागरों को मुखबिर की सूचना पर देवलोन पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को दशहरे मैदान से गिरफ्तार किया। एसआई विजय सिंह ने बताया कि 2 आरोपी उमेश तिवारी और शिव बहादुर साकेत, जो कि सीधे जिले के चुरहट से नशे का जखीरा लेकर देवलोन में पकड़े गए। देवलोन निवासी 3रे आरोपी सुनेश द्विवेदी को बेचने आए हुए थे, जिन्हें मौके से 110 ऑन ड्रग्स सिरप के साथ गिरफ्तार कर ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में एएसआई एहसान खान, सुशील तिवारी, आरक्षक रियाज खान, शत्रुघ्न सिंह, विनोद तिवारी भी शामिल रहे। डिडोरी की महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा बाल संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है, जो कि 11 जनवरी तक चलेगा। कार्यक्रम में जिले भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, हॉस्टल अधीक्षकों की कार्यशाला रखी गई, जिसमें बच्चों के ऊपर हो रहे अपराधों की जानकारी और बच्चों पर हो रहे अपराधों को रोकने के साथ साथ कार्रवाई करने को लेकर जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह ने कार्यशाला में दी। कार्यक्रम में आए हुए महिला बाल विकास के कार्यकर्ता, हॉस्टल अधीक्षक अपने अपने गाँव में बच्चों को जागरूक करने के बाद बच्चों के अधिकार के बारे में जानकारी देंगे, जिससे कि बच्चों के साथ हो रही घटनाओं को रोका जा सके और बाल संरक्षण सप्ताह को लेकर प्रतिदिन आयोजन कर बच्चों को जागरूक किया जाएगा। निरीक्षण दिन रहेगा, जिसमें बाल्य हेल्प संस्थाएं या फिर हॉस्टल वगैरह हैं, उनमें जिलाधिकारी निरीक्षण करेंगे कि वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है। 3रा दिन 8 तारीख को रैली का आयोजन है। 4थे दिन में बाल ग्राम सभाएं जो है उसमें बाल चौपाल की व्यवस्था की जाएगी। जिला चिकित्सालय सीधी में युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत को लेकर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि एक बॉटल लगने के बाद जैसे इंजेक्शन लगाया गया, इसके 5 मिनट बाद मरीज की मौत हो गई। बता दें कि युवक को दस्त की शिकायत होने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आए दिन जिला चिकित्सालय प्रबंधन पर सवालिया निशान लगते रहते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई की बात कही है। मुझे भी सुबह पता चला कि मोहरिया के परिवार साहब थे, मरीज आए थे, रात में भर्ती किया, करीब 3 बजे करीब आए थे और इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। उसमें परिजन और शिकायत की गई है कि स्टाफ ने जो ड्यूटी के दौरान नर्सें थी, जो डॉक्टर थे, उन्होंने मरीज को ठीक से देखा नहीं, दवाई नहीं दी। मंडला में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाहर से चोरी हो गई। बैंक के बाहर खड़ी कार का शीशा तोड़कर 4,50,000 रुपए की कैश तोड़कर चोरों ने चोरी की। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मंडला से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाहर से चोरी। बैंक के बाहर खड़ी कार का शीशा तोड़कर हुई लाखों की चोरी। आपको बता दें कि 4,50,000 रुपए की कैश तोड़कर चोरों ने की चोरी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बदहाल सरकारी स्कूल और उनकी जर्जर दीवारों से आप भलीभांति परिचित होंगे, लेकिन गुना जिले में एक ऐसा स्कूल है जहां छात्र खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। दरअसल चाचौड़ा विकास खंड के शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय को ट्रेन की तरह पेंट किया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट में।
गुना के चाचौड़ा में बना अनोखा स्कूल। गुना में ट्रेन की बोगी की तरह बना स्कूल। शिक्षक ने स्कूल को दिया नया रूप। बच्चों को आकर्षित करने के लिए रूप। भवन की रंगाई पुताई अलग ढंग से कराई। पर्यावरण वन्य जीवों की दीवारों पर चित्रकारी। गुना जिले के चाचौड़ा में एक ऐसा स्कूल है जो जरा हटकर है। ट्रेन के लुक वाले इस स्पेशल स्कूल की बात ही निराली है। अलग अलग कक्षाओं में बैठकर स्कूली छात्र ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाई करते हैं। स्कूल की बाउंड्री पर कार्टून कैरेक्टर और जानवरों की चित्रकारी भी की गई है। कक्षा 6, 7 व 8 में किताबों के आधार पर दीवारों के ऊपर पेंटिंग की गई है। ये दिखने में भले ही आपको ट्रेन की बोगी लगे, लेकिन वास्तव में ये स्कूल बिल्डिंग है। विद्यालय के शिक्षक ने बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए भवन की रंगाई और पुताई अलग ढंग से कराई है। जिले में ये पहला शासकीय स्कूल है जिसे ट्रेन की बोगी की तरह सजाया गया है। इसकी पुताई ऐसे ढंग से की गई है कि दूर से देखने वाले ही हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेन की बोगी खड़ी है। जब यहाँ से छात्र छात्राएं आते जाते हैं तो पूरी स्थिति समझ में आती है। इस स्कूल के नए स्वरूप को देखने के लिए गांव के लोग भी जुट रहे हैं। अन्य स्कूलों के शिक्षक और बच्चे भी इसे देखने आते हैं। प्रधानाध्यापक शिखर चंद जैन ने बताया कि इस विद्यालय में मैंने कक्षा 4 व 5 का अध्ययन किया है। इस बात की खुशी है कि इसी विद्यालय में मैं शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। इस कार्य के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा विश्वविद्यालय को फंड भेजा था। इसी राशि का उपयोग करके भवन में कार्य किया गया है। इसे अलग रूप देने के लिए ट्रेन की बोगी की तरह ही सजाया गया है। लोगों का रुझान जो है प्राइवेट स्कूल की तरफ ज्यादा है, तो शासन ने जो राशि दी है उससे मेरा उद्देश्य ये रहा है कि बच्चों को सरकारी स्कूल की तरफ आकर्षित किया जाए। मेन उद्देश्य तो मेरा यही है। प्रेरणा तो मेरी बचपन से ही रही है ये कि कुछ अलग हटने की कार्य करने की मेरी शैली ही है। आप लोगों ने देखा भी होगा स्टेशन पर जो कार्य करते हैं हम, वो सबसे अलग हटकर ही है। हाँ, चौथी पांचवी में इसी भवन में मैंने चौथी पांचवी में शिक्षा ग्रहण की है और कुछ वो भी मेरा ये रहा है। पर्यावरण एवं जीव जंतुओं के बारे में बाउंड्री वॉल एवं कमरे में आकर्षक चित्रकारी की गई है। कक्षा 6, 7 व 8 के कमरों में विषय आधारित पेंटिंग है। इससे कक्ष और परिसर आकर्षक दिखाई देते हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी भी इस स्कूल की तारीफ कर रहे हैं। निश्चित रूप से मेरा उस प्रधानाध्यापक के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा कि जिस व्यक्ति ने स्कूल परिसर को बड़ा सुंदर आकर्षक बनाया है। और वह हमारे जिले के ही नहीं, पूरे प्रदेश के अन्य प्राथमिक माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है कि यदि शाला परिसर अट्रैक्टिव होंगे, शाला परिसर सुंदर होंगे, स्वच्छ होंगे, तो निश्चित रूप से जो समाज का हमारे बच्चे जो एक आकर्षण है वो निश्चित बढ़ेगा। जो बच्चे निजी स्कूलों में जाना चाहते हैं वो निश्चित लौट करके हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए आएंगे। तो ये तो एक हमारे सभी के लिए प्रेरणा का आधार है वह स्कूल। और भी अन्य स्कूल ऐसे हैं जिले में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो स्कूल भी अन्य के लिए एक प्रेरणा का आधार। चाचौरा में स्थित शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय को अंदर से भी सजाया गया है। विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में रूढ़िवादी पद्धति से हटकर नवाचार रूपी जो गतिविधियां की जा रही हैं, उससे शिक्षा पद्धति में काफी बदलाव आए हैं। अगर इसी तरह और भी स्कूल बने तो बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिलता है। डेक्स रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।